सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरनपुर एकता कॉलोनी में दिनदहाड़े लूट की वारदात हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर पर महिला अकेली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दो व्यक्ति उनके पति का नाम लेकर घर में आए और पीने के लिए पानी मांगा। महिला के किचन में जाते ही बदमाश भी उसके पीछे अंदर चले गए और बंदूक और चाकू की नोक पर सोने चांदी के जेवरात के बारे में पूछने लगे। महिला ने कुछ नहीं बताया तो उसे बंधक बना दिया और घर में रखे सामान चेक कर ज्वेलरी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। सर दो लोग आए बाइक से, बोले गणेश राम तुम्हारे पति गणेश राम ने भेजा है भानेज की सगाई के लिए। मैं अंदर आए, मैंने पानी दो किचन में से बंदूक अड़ा ली और चाकू रख लगा गले पे और कहला जेवर काका है बता दो। मैंने कि भैया नहीं है तो बोले एक ने बंदूक अड़ा के कहला ढूंढ लो ढूंढ के और कमरा में हाथ पैर बांध के पटक के गले से चैन ले गए। चैन ले गए गली में 11:30 बजे की। मौके पर सिविल लाइन पुलिस और FSL टीम को फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लग सका। सूचना मिली थी कि कोई मोटरसाइकिल वालों ने वारदात की है तो उसकी तस्दीक के लिए आया था। फरियादी ने बताया, फरियादी सुमन भाई शर्मा हैं, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि दो लड़के मोटरसाइकिल से आए थे और उनके पति का नाम लेकर बोले कि गणेशराम जी कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि वे तो ड्यूटी पे गए हैं, तो कहने का उनके भांजे राकेश की सगाई है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो उन्होंने गेट खोल दिया, गेट खोलने के बाद सोफे पे बैठ गए। बैठने के बाद में ये बोले कि एक गिलास पानी लिया तो वो पानी लेने अंदर गई। उसके बाद में उनको बताया कि जो भी सामान वगैरह है वो निकाल दो, उनको उधर अलग बांध दिया। उसके बाद में फिर सामान वगैरह जो भी था चाबी अलमारी के ऊपर ही रखी थी, उन्होंने सामान वगैरह बता रहे ज्वेलरी वगैरह थी वो। उल्लेखनीय है कि सिविल लाइन क्षेत्र में ही कुछ समय पहले भी ठीक इसी तर्ज पर घर में मौजूद व्यक्ति को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, विदिशा।